बिलासपुर उपमंडल के स्वारघाट के क्षेत्र भटेड़ डाकघर जिकातखाना की कांता देवी पत्नी बाबूराम के रिहायशी मकान में शॉर्ट सर्किट लगने से 4 कमरे जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगने से उक्त महिला का चारों कमरों में रखा सारा सामान, बेड, टीवी, फ्रिज, पंखे, कंबल, रजाई आदि सामान आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड के बाद अब उक्त महिला को खुले आसमान के तले ही रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अग्निकांड की सूचना के तुरंत बाद पुलिस थाना स्वारघाट के प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद के साथ राहत व बचाव कार्य किया। गौरतलब है कि नैना देवी से आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को तो बुलाया गया था, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। आपको बता दें कि उक्त अग्निकांड पीड़िता महिला के पति कुछ साल पहले ही गुजर गए हैं। यही नहीं, गत साल उक्त महिला के युवा बेटे दीपक का भी मर्डर हो गया है। अब कांता देवी व उसकी 18 साल की बेटी के सर के ऊपर छत छिन जाने से दोनों बेसहारा हो चुके हैं। हालांकि स्वारघाट प्रशासन की तरफ से फौरी राहत तो प्रदान की गई है और कांता व उसकी बेटी को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई। बेड वगैरह सारा सामान अंदर, पहनने के कपड़े थे, पंखा वगैरह सारे हरे की चीज थे अंदर, सारे जल गए, कागज फाइल वगैरह जो केस केस सब अंदर सारे जल गए, गहने के सारे गहने सब कुछ जो भी सामान सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा। नैना देवी वाटर अटेंड के साथ 1:01 हमें कॉल मिली थी अग्निकांड की और 2:05 पर हम अग्निकांड पर पहुंच गए, जिसको हमने अच्छे ढंग से मेरे क्रू ने कार्य समाप्त कर दिया।